किसानों के मसले को लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ। कांग्रेस ने कहा एक और किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाता है, दूसरी तरफ किसानों पर जुल्म किया जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक किसानों की मांगों को लेकर हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे। कांग्रेस विधायक महेश परमार ने कहा कि किसान परेशान है, दिल्ली में उन्हें रोकने में सेना लगा दी है। एक और प्रधानमंत्री किसान नेता चरण सिंह को भारत रत्न देते हैं और दूसरी तरफ किसानों को अपनी आवाज नहीं उठाने दी जा रही है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। आप देख रहे हैं हमारा अन्नदाता देश की जीविका किसानों से चलती है और अन्नदाता हम भगवान का रूप मानते। पूरा देश जब चेंज होता है किसान अपने खेत में काम करता है, वही किसान जब देश की राजधानी में अन्नदाता अपनी बात रखने आता है तो देश की सरकार केंद्र में बैठी और मध्य प्रदेश की सरकार किस तरह से बर्बरतापूर्वक किसानों के साथ बड़ी बड़ी चार चार फीट की कीले, बड़े बड़े बैरिकेड सीमेंट के और हजारों की संख्या में BSF, CRPF, पैरा मिलिट्री फोर्स ये जवान उनको रोकने का काम करते हैं। एक तरफ मोदी जी किसान नेता आदरणीय चरण सिंह जी को भारत रत्न देते हैं और ये किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार, हम इसका विरोध करते हैं हमारे विधायक साथियों सब मिलकर, क्योंकि हम सब किसान के बेटे हैं और इस समय अगर किसानों के साथ आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो हमारा मन नहीं मानता। हम पर किसान परिवार से आए हैं और हमारे माता पिता हमारे पूर्वज किसान थे, तो इस तरह से देश का जो माहौल है ये किसानों के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा, हम इसका विरोध करते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।